हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों यहाँ पर जो है रेल वेरी गुड बेन सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कौन सा अपडेट दिया गया, कौन सा पोस्ट के लिए, तो पोस्ट है यहाँ पर RRC 01-2019 वाला जो ग्रुप डी वाला पोस्ट आप लोग का जो यहाँ पर अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू है, जहाँ पर पैनल यहाँ पर जारी किया जा रहा है। उन सबका रिगार्डिंग एक यहाँ पर जो 3 नोटिस जारी किए, यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोविजनल पैनल आप लोगों के लिए जारी किया गया। ऑलरेडी 2 यहाँ पर जारी किया गया था, तो 2+1 तो 3 नंबर यहाँ पर जारी हो गया। और जो पिछला वाला जो 2 यहाँ पर निकला था, उन सबका रिवाइज यहाँ पर जो पैनल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रिविजन ऑफ पैनल, रिविजन ऑफ पैनल, तो 2 रिविजन ऑफ पैनल यहाँ पर जारी किया गया। पिछला वाला 2 का क्या हुआ वो सब कुछ यहाँ पर जो बोल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है नया जो पैनल दिया गया है प्रोविजनल पार्ट पैनल 3, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 15/6 मतलब कल के डेट में नोटिस दिया गया था, जहाँ पर आप लोग के लिए नया प्रोविजनल पैनल दिया गया है। जहाँ पर जो वैकेंसी आप लोग के लिए ऑलरेडी 11,000 के आसपास दिया गया था, उसमें से यहाँ पर 1119 मतलब 1200 के आसपास यहाँ पर जो आप लोगों के लिए लिस्ट में नाम यहाँ पर दिया गया है। तो कौन कौन सा नाम यहाँ पर जिन सब का कैंडिडेट का DB यहाँ पर हुआ था आसनसोल डिवीजन में, उन सब का यहाँ पर जो नाम आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चेंजेस किया गया है दोस्तों, पिछला 2 के अनुसार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ साथ यहाँ पर जो नाम भी दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा नाम, उसके साथ मेडिकल कैटेगरी, उसके साथ साथ फाइनल पोस्टिंग कहाँ पर है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है दे दिया गया है। पिछला बार क्या हुआ था, यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ यहाँ पर जो दे दिया गया था, उनमें से आप लोग कुछ चेक करना था। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ साथ नाम, मेडिकल कैटेगरी, फाइनल पोस्टिंग, सब कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये तो गया यहाँ पर जो नया जो आया है वो सबके लिए। तो पुराना वाला जो दिया गया उसको भी देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है इस नोटिस पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नोटिस आप लोग के पब्लिश यहाँ पर हुआ था RRC CN Panel 01-2019-167 डेट जो दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 27/6/2023, उसके बाद जो कॉरिजेंडम नोटिस आया था यहाँ पर जो है डेट डेट 1/5/2023, उसके साथ साथ यहाँ पर जो 10/5/2023, इन सबको यहाँ पर जो और एक दिया गया है 12/5/2023 आर हियर बी विदड्रॉन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, मतलब इन सभी को जो है विदड्रॉल कर लिया गया है। द लिंक प्रोवाइडेड फॉर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन नोटिस आर ऑल्सो बींग विदड्रॉल, तो सब कुछ यहाँ पर जो विदड्रॉल कर लिया गया है। ऑल इन्फॉर्मेशन अबव द मेंशन नोटिस ऑल्सो विदड्रॉल एंड नो क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन नोटिस विल बी एंटरटेन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर जो 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 सस्पेंशन टू द अबव मेंशन, मतलब ये ऊपर वाला जो जो पोस्ट यहाँ पर जो सस्पेंशन कर दो, उन सब की रिगार्डिंग फ्रेश एंड रिवाइज पैनल जारी किया 5,298 कैंडिडेट का आउट ऑफ 10,868 कैंडिडेट जो कि टोटल वैकेंसी दिया गया था। तो यहाँ पर जो इस पोस्ट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 5,298 कैंडिडेट का यहाँ पर जो नाम दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ साथ नाम, उसके साथ साथ मेडिकल कैटेगरी, पोस्ट एलोटेड, यहाँ पर से करना है कि आप लोग का सर्च करना है, सर्च करके आप लोग को अपना जो नाम है वो देख लेना है। यहाँ पर जो पिछला वाला जो दिया गया था उसको यहाँ पर जो चेंज करके ये वाला नया यहाँ पर जो दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ पर से ध्यान से आप लोग को अपना जो रोल नंबर वाइज नाम वाइज देख लेना है दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया उसको भी देख लेते हैं। तो ये वाला भी नोटिस वही वही कारण के अनुसार दिया गया है, यहाँ पर जो 30/5/2023 का आप लोगों जो नोटिस आया था इस ईयर भी विदड्रॉन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, मतलब सेम ही यहाँ पर बोला गया है, जो यहाँ पर नोटिस 30/5/2023 को दिया गया था वो भी यहाँ पर जो विदड्रॉल कर लिया गया है। तो इन सस्पेंशन ऑफ द मेंशन नोटिस फ्रेश रिवाइज, तो रिवाइज एक पैनल जारी किया गया ये वाला, तो 1344 कैंडिडेट का यहाँ पर जो नाम दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को करना है कि यहाँ पर से आप लोग को अपना नाम, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है, उसके साथ साथ मेडिकल कैटेगरी, पोस्ट अलॉटेड, कौन सा पोस्ट आप लोग अलॉट हुआ है, वो सब कुछ आप लोग जो यहाँ पर से देख पाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग को जो अपना जो नाम है फिर से एक बार जो लिस्ट पे चेक कर लेना होगा। तो सही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।